हाय एवरीवन, आज फिर हम एक नए कमेंट और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। क्वेश्चन कुछ लोगों का डाउट संबंध में, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है जिनको लेकर वो परेशान है। तो अगर आपके भी मन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कुछ भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, कमेंट कर कर सकते हैं। उसका आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इश्यू होंगे, कोशिश किया जाएगा उसको आपको हेल्प किया जाए, ठीक है। देखिए पहला कमेंट क्या है, साइंस बूस्टर। साइंस बूस्टर देखिए, सर सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में उठता है? इन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, विच कम्बिनेशन विल बी बेस्ट सर? सर आवर एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, सो प्लीज़ क्लियर इट सर। सर प्लीज रिप्ले, आई विल अवलाइज अवलाइज टू यू। देखिए मैं मैथ्स, मतलब मेरा तो बैकग्राउंड मैथ से है, मैं ज़्यादा जूलॉजी बाटनी के बारे में नहीं जानता, बट इतना ज़रूर कहूँगा अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपकी जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब आपका परफॉर्मेंस सेकेंड ईयर में अच्छा हो, आपको लगता है कि आप किसमें ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो, जूलॉजी बाटनी का कमीशन ले सकते हो या आप जूलॉजी केमिस्ट्री का कमीशन लेकर चल सकते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नंबर उठता का मतलब क्या हुआ? अरे आप बेस्ट करिए, आप परफॉर्मेंस अच्छा करिए, मेहनत करिए, पढ़िए, कोई कम्बिनेशन लेंगे अच्छा आएगा। मतलब आपको अपने लाइफ में क्या करना है, मतलब जूलॉजी केमिस्ट्री से पीएचडी कुछ करना है या जूलॉजी बाटनी लेके चलना है या बाटनी केमिस्ट्री लेके चलना है, हाँ जो कम्बिनेशन आपको लेके चलना है अपने लाइफ के अकॉर्डिंग देखिए क्या उसका नंबर क्या मिलता है। आप कोई भी कम्बिनेशन लीजिए, जूलॉजी केमिस्ट्री लीजिए, बाटनी केमिस्ट्री लीजिए, जूलॉजी बाटनी लीजिए, समझ में आ रहा है? तो बस आपको जो भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपको लेना है ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए, नंबर सब में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे आप, वर्क करेंगे, हाँ तो क्यों नहीं नंबर आएगा, चाहे आप केमिस्ट्री ले, चाहे जूलॉजी लो, चाहे बाटनी लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि बस आप में किस में इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, केमिस्ट्री में, जूलॉजी बाटनी में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट हो, आप जिसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट आप कर सकते हो वही आप दो चीज़ चूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन कश्यप, 88, ठीक है। क्या क्वेश्चन का है? सर बीएससी सेकंड ईयर में फेल होने पर क्या थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं हो सकता है? फिर क्या है, कैसे हो सकता है, मतलब इम्पॉसिबल। अगर बीएससी सेकंड ईयर में फेल हो गए, अगर एक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक पेपर देके आप बीएससी सेकंड ईयर क्लियर कर सकते हैं, अगर दो पेपर में फेल हैं आप तो कुछ नहीं हो सकता, फिर से आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो कोई चारा नहीं है, आप अगर बीएससी सेकंड ईयर फेल हो गए तो आप थर्ड ईयर में आपकी नहीं प्रमोट हो सकते, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए तो पूरा इतना यूनिवर्सिटी ने इतना कोशिश किया कि सब लोग मतलब पास हो जाएं, समझ में आ रहा है? एमसीक्यू करवाया गया, किसी ने करवाया, इसलिए करवाया गया ना कि बस एक कोविड की वजह से सब लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है राकेश कुमार का। राकेश कुमार जी क्या पूछते हैं? सर मैं बीएससी थर्ड ईयर कर लिया हूँ, मैं मार्क्स इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्या मेरे मार्क्स 52% है? मतलब इनका क्वेश्चन है, राकेश जी का ये क्वेश्चन है कि मैं बीएससी फाइनल कर लिया हूँ, मेरा 52% है, क्या मेरा मार्क्स इंक्रीज हो सकता है कि नहीं, समझा रहा है? मतलब ये अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में आप पास आउट कर चुके हैं, सिर्फ आपको 52% है तो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप बीएससी थर्ड ईयर के जो दो पेपर आपने दिया होगा, जो भी दो सब्जेक्ट चूज किया होगा आप, तो उस दो सब्जेक्ट में जिसमें आपको नंबर कम है उसका इम्प्रूवमेंट डालिए, इम्प्रूवमेंट डाल के आप उसका जो आपका मार्क्स है उसको आप 52 से जितना आप वर्क करें, जितना आप मेहनत करेंगे तो इंक्रीज कुछ ना कुछ इंक्रीज हो ही जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है? अब इम्प्रूवमेंट के बारे में अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी जहाँ आपका एडमिशन है वहाँ पर पता करिए कि कब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आ रहा है, उसको फिल कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा इम्प्रूवमेंट का उसमें आप बैठिए, प्रिपरेशन तैयार करिए, जो भी चीज़ें हैं मतलब जो सब्जेक्ट आप इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोशिश करिए जो पहले मार्क्स आए थे उससे बेटर हो, ठीक है, तो जरूर इंक्रीज होगा, समझ आ रहा है? राकेश कुमार आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कमेंट हमारा है अमित मनी, इनका कमेंट है सर 2 ईयर का जो अभी रिजल्ट बना है उसमें मैं 53 पाया हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, कभी आज तक इतना कम नंबर आए नहीं आए मेरे,
1 to 12 प्लीज़ रिप्ले करिएगा। इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा 2 ईयर का और क्या क्यों अब ये ठीक करने को, मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बीएससी सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिया, मात्र 53% का आया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने ये बोला है कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरा 53% आया है, समझ आ रहा है। और 1 से लेकर 12 तक अभी तक ऐसा कोई क्लास नहीं था जिसमें कम ना पाया हो। देखिए अमित सोमनी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 से लेकर 12 तक जो भी पढ़ाई की है वो पढ़ाई और बीएससी की पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल अलग होता है, समझ में आ गया है। हाँ, एकेडमिक पढ़ाई और ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप तो 53 आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा परेशान ना होइए। आप एक काम करिए, इम्प्रूवमेंट डाल दीजिए सारे पेपर का, जितना आपको लगता है कि जिस पेपर में आपको लगता है कि उसमें आप जितना पाए हो उससे अच्छा, मतलब ज़्यादा नंबर आप पाते तो एक आप काम करिए, इम्प्रूवमेंट भर दीजिए, इम्प्रूवमेंट देकर दोबारा पेपर दीजिए, आपके मार्क्स ज़रूर कुछ न कुछ इंक्रीज हो जाएंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के मन में डाउट था, कमेंट किया था, पूछा गया था। आपके भाई मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शिक्षा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।